दोस्तों अक्सर आप कोई भी काम चालू करने से पहले अक्सर बैठ जाते हो और सोचने लगते हो, चिंता करने लगते हो। किस बात की चिंता? बस यूँ फालतू की चिंता में पड़ जाते हो, क्या करें, क्या होगा, उसमें होगा कि नहीं कुछ होगा, हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, मतलब बेकार की सोचने लगते हो दोस्त, कोई बातें सोचने लगते हो ऐसे ही फिजूल कर, जिसका उन काम से और ना ही आपकी लाइफ से कोई मतलब होता है। करने से पहले ही सोचने लगते हो उल्टी सीधी बातें। लेकिन दोस्त आप ऐसा चिंता करना छोड़ दो, बंद करो ऐसी चिंता करना, फालतू के फिजूल की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी चिंता वो कर रहा है, आपकी चिंता वो ऊपर वाला कर रहा है दोस्त। इसलिए फालतू की चिंता करना बंद कर दो और अपना पूरा फोकस उस काम पर लगाओ जिस काम को आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सोच रखा है, जो काम करके आपका लाइफ बेहतर से बेहतर हो सके, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, आप अपनी लाइफ को और बेहतर से बेहतर बनाओ। पूरा फोकस उस काम पर लगाओ दोस्तों, फालतू की चिंता करना छोड़ दो। दोस्तों जो भी हमारी लाइफ में होता है ना, जो भी होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी है, ये सब पहले से तय होता है, लेकिन आपको पता नहीं है। वो समय आएगा तो आपके साथ हो ही जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं होती हो दोस्तों, ये सब ऊपर वाले की इच्छा के ऊपर है। इसलिए दोस्तों ऐसी चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो और लगातार अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ये फालतू की चिंता कब तक चिंता करोगे? आगे बढ़ो अपनी लाइफ में दोस्तों हमें जो भी मिलता है ना, सब ऊपर वाले की मर्जी से मिलता है, सब ईश्वर की मर्जी से मिलता है दोस्तों। बस हमें रुकना नहीं चाहिए, बस हमारी जो भी हमारी काम है जो भी हम करना चाहते हैं, बस उसमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, लगातार बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। चाहे हार भी जाओ उस काम में, हार भी जाओ ना, तभी आप रुको नहीं, घबराओ नहीं, लगातार बढ़ते रहो। जो भी होने वाला होगा उस काम में, अच्छा हो बुरा हो, सफलता हो असफलता हो, वो तो एक दिन हो के ही रहेगा। वो ना आपके हाथ में है ना किसी के हाथ में है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए दोस्तों चिंता मत करो, जो भी है वो सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो और लगातार अपने कामों के प्रति लगातार एकदम ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ो दोस्तों। जो भी होता है ज़िंदगी में, जो भी हमारी लाइफ में होता है, वो हमारे कंट्रोल से नहीं होता है। हम इंसान को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं जीना चाहिए दोस्तों। जो भी होता है ना, हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है दोस्तों। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको खुद अपने आप की मदद करनी होगी, कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको खुद अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा, और अकेला ही बढ़ना होगा दोस्तों इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। आप वीडियो में आगे बढ़ने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए दोस्तों, और बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमको ये बात पता है कि हर बात समझाने के लिए उदाहरण की ज़रूरत है आपको। आप बिना उदाहरण के ये ऊपर वाले की मर्जी जो बोल रहा था ना, शायद आपको समझ नहीं आया हो। तो दोस्तों चलिए हम एक कहानी के माध्यम से, जो ऊपर वाले की मर्जी है ना, ऊपर वाले की इच्छा से ही, भगवान की इच्छा से ही सब चीज़ होता है, उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो दोस्तों चलो हम इस मर्जी को आपको एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों दो दोस्त थे, दोनों दोस्त एक आश्रम में रहते थे और दोनों बहुत गरीब थे। दोनों दोस्त के भी दोस्त जो थे, उसकी एक बहन थी, उसकी बहन की शादी कहीं तय हो गई और दोस्त बहुत गरीब था उसका, और उसके पास पैसे तो थे नहीं, एकदम पैसे नहीं थे, तो अपनी लड़की शादी कैसे अपनी ओ सॉरी अपनी बहन की शादी कैसे करता। बहुत दुखी था कि कहाँ से पैसे लाता, और सोच तो रहा था कि बहुत धूमधाम से अपनी बहन की शादी करूँगा, बहुत
अच्छे से शादी करूँगा ताकि लोग याद रखें उस शादी को। लेकिन दोस्तों मजबूर था, उसके पास पैसे थे नहीं, क्या करता दोस्तों। तब दोनों दोस्त जब अपनी बहन की शादी में, जिसकी बहन की शादी थी ना, दोनों दोस्त घर जाने लगे गांव की तरफ। तब उनके गुरुजी, दोनों बच्चों के जो गुरुजी थे ना, गुरुजी थे, तो जिसकी बहन की शादी थी उसको, उस लड़के को 5 अनार ला के दिए। वो 5 अनार ला के दिए और फिर वो दोनों लड़के वहाँ गांव के लिए निकल गए अपनी बहन की शादी में। तो दोस्त क्या हुआ, लड़का तो दुखी था ही और दुखी हो गया। उसे उम्मीद थी ही नहीं, उसे उम्मीद नहीं थी एकदम कि गुरुजी उसे तो उसे 5 अनार देंगे। उसे इस बात का उम्मीद था कि गुरुजी उसकी बहन की शादी में कुछ पैसे देंगे, कुछ उसकी मदद करेंगे ताकि वो अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सके, धूमधाम से कर सके। लेकिन दोस्तों गुरुजी ने उसकी उम्मीद को एकदम, उसकी उम्मीद को बेनकाब कर दिया एकदम। मतलब कुछ जो उम्मीद ही उसकी टूट गई दोस्तों। वो चाह कर भी गुरुजी को अपने कोसते कोसते रास्ते में जाने लगा, एकदम कोसते रहता था। मतलब क्या कर सकता था, मतलब एकदम बहुत उम्मीद लगाया था गुरुजी उसे पैसे देते, अपनी बहन की शादी अच्छे से करता। लेकिन गुरुजी ने क्या दिया उसे, 5 अनार थमा दिया, लो और जाओ। लेकिन दोस्तों जब रास्ते में जा रहे थे ना, तो राजा के सैनिक ऐलान करते हुए घूम रहे थे, क्या किसी के पास अनार है? राजा की बेटी राजकुमारी बहुत बीमार है और उसे इलाज के लिए अनार की ज़रूरत है। दोस्तों जब इन दोनों लड़के ने सोचा, तो सोचा कि हम इस अनार का करेंगे क्या, चलो सैनिकों से बोल देते हैं हाँ हमारे पास है और इन्हीं लोगों को दे देते हैं ताकि राजकुमारी का इलाज हो जाए। दोनों लड़के सैनिक के पास गए और अनार के जो उनके पास था उन्होंने बात कबूल किया, हाँ हमारे पास अनार है आप ले लो। तो सैनिकों ने क्या किया, दोनों बच्चों को ले गए और राजमहल ले गए राजा के सामने। राजा ने उन दोनों बच्चों को इतने पैसे दिए, इतने हीरे जवाहरात दिए, इतना मतलब धन दिया कि उन धन से उनकी लाइफ सेट हो गई और उनकी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोस्तों इतना तो तय है ना कि जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, शायद अब आपको समझ आ गया हो। दोस्तों ऊपर वाले की मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए क्या चिंता करना, क्या फालतू के चीज़ों में चिंता करना। दोस्तों ऐसे कब तक चिंता करते रहोगे, जो भी हमारी लाइफ में होता है ना, जो भी होने वाला होता है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। ऐसे फालतू के चिंता करना छोड़ो, ऐसे व्यर्थ की चिंता करना बंद करो, सब ऊपर वाले की मर्जी के ऊपर छोड़ दो। जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, एक दिन तो होना ही है, होकर ही रहेगा, उसे ना तुम रोक सकते हो ना कोई रोक सकता है। दोस्तों इससे हमें यही पता, यही शिक्षा मिलती है, इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में, हमें अपने जीवन में यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का चिंता नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी करना होता है ना, एकदम आगे बढ़ते रहो, चाहे असफल ही क्यों ना हो जाए उस काम में, उसके बाद भी आप फिर से कोशिश करो, फिर से प्रयास करो, फिर से आगे बढ़ो, एक दिन तो सफलता मिलेगी ना, ये सोच के चलो, कभी तो सफल हो पाओगे ना अपनी लाइफ में, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी पे छोड़ दो। जो होगा सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, जो क्यों चिंता करना, सारी चिंता ऊपर वाले की मर्जी के ऊपर छोड़ दो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें आपको समझ आ गई हो और मैं आशीष पटेल आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपसे मुलाकात हो। थैंक दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा।